ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप डिजिटल दुनिया को इस्तेमाल करके इस तरह अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो थ्रू आउट मैंने ये एक्सप्लोर किया, ग्रेजुअली मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने माउंटेन शॉप पे काम किया, देन क्योंकि मेरी अपनी स्किल्स मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग मैंने की थी, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग ये मेरी पर्सनल ब्रांडिंग, प्रोफेशनल ब्रांडिंग मेरी एक्सपर्टीज थी। तो आई थॉट कि माउंटेन शॉप इज अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म मेड फॉर वुमेन, जहाँ पे वो सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, अपने बेसिक बिजनेस खेल सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने फिर एक न्यू आइडिया के साथ मैं आई कि बिल्कुल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फार्म या कंसल्टेंसी फार्म बनाती हूँ, जिसके थ्रू मैं लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूँ कि उसने मार्केटिंग किस तरह करना है, ब्रांडिंग किस तरह करना है, पैकेजिंग किस तरह करना है। सो आई इनिशिएटेड डीजी फ्रेंड्स, जिसके थ्रू हम एआई के टूल्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और फीमेल्स को हम बुलाते हैं डिफरेंट थ्रू डिफरेंट गैदरिंग, अवेयरनेस सेशंस रखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कलिब्रेशन करके हम सेमिनार्स रखते हैं और बेसिक अवेयरनेस देने के लिए, लिटरेसी देने के लिए। सो आई इनिशिएटेड बोथ ऑफ दीज कंपनीज बिटवीन 2019 to 2024, और साथ में मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, इनिशियली ये था कि जब मैंने माउंटेन शॉप स्टार्ट किया था बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे मेंटोरशिप नहीं था एंड आई वाज ऑन माय ओन, सो मेंटोरशिप मुझे नहीं मिल रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैंने किससे मेंटोरशिप लेना है, मैंने कहाँ जाना है, किस प्लेटफॉर्म पे सीखना है। सो उसके थ्रू ये हुआ कि मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए अप्लाई किया थ्रू आउट, एंड मोर देन 100 एप्लीकेशंस मैंने सबमिट की विद इन 2 ईयर्स, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए, डिफरेंट ग्रांट्स के लिए, डिफरेंट इंक्यूबेशन प्रोसेस के लिए, एंड एट द एंड नेशनल इंक्यूबेशन जो NIC इस्लामाबाद था, उसमें बेसिकली ये होता है कि NIC इस्लामाबाद में मोर देन 3,000 एप्लीकेशंस आते हैं, उनमें से 150 इनिशियल स्क्रीनिंग में शॉर्टलिस्ट होते हैं, देन ग्रेजुअली जाके वो 30 स्टार्टअप्स लेते हैं फर्स्ट कोहर्ट में, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। साथ में मैंने शिलव टेक के लिए अप्लाई किया था, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन है, जिसमें वर्ल्ड की 70 कंट्रीज पार्ट लेते हैं, और वो थ्रू आउट वो कॉम्पिटिशन होती है, उसमें मैंने पार्ट लिया, उसमें मैंने नेशनल लेवल तक चली गई और रीजन वाइज से क्वालिफाई कर गई। देन आई अप्लाइड फॉर एक्सेट प्रोग्राम, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की होती है साउथ एशिया की, तो उसमें भी ये होता है कि पूरे पाकिस्तान, ऑल ओवर साउथ एशिया से अप्लाई करते हैं, और उसमें वो टॉप 10 को उठा के उनको एक्सेलेट प्रोग्राम में इन्वॉल्व करते हैं और उसकी ग्रांट भी मिलती है। सो आई वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट प्रोग्राम एज वेल, तो वो प्रोग्राम भी मैंने 4 मंथ्स मैंने एक्सेलेट प्रोग्राम से मैं गो थ्रू हुई। इसी तरह फिर ग्रेजुअली स्टार्ट हो गई, मैंने कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना स्टार्ट किया, पावर टू हर में मैं क्वालिफाई मैंने किया, UNDP और JS की थी। इसी तरह फिर क्योंकि मैं उस प्रोसेस को, मार्केट को, अपॉर्चुनिटीज को समझने लगी, और इस तरह से मैंने फिर डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, एंड बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन थे जिनमें सक्सेसफुली मैंने पार्टिसिपेट भी किया, विन भी किया। जेएस के एक पूरी मैंने वाइस प्रोग्राम जो वुमेन इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन था, उस पर मैंने थ्रू आउट काम किया। इसी तरह बस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लोकल ACRS भी हमारे पास है और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैं ऑन एंड ऑफ काम करती हूँ, ऑन एज ए टेक्निकल रिसोर्स, और जो फीमेल्स है स्पेसिफिकली उनकी बेसिक बिजनेस स्किल्स और उनकी वो बेसिक डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी देने पे मैं काम कर, अभी भी करेंटली सर्कल के अंदर जब मैं, सारे जन्म के पहले एक बात बताइएगा कि आप फैमिली का कैसा आपके साथ रोल रहा, दे वर सपोर्टिव और उन्होंने कहा कि नहीं ये फीमेल आप कैसे आओगी ओके, मैं और ये सारी भी चीजें आया आप वो फॉर कैसे करोगी, उन्होंने कुछ इसमें इंटरेस्ट सिंस कर रोल प्ले। यस, एक फीमेल की या फिर एक लड़की की, स्पेसिफिकली फीमेल एक यंग लड़की की जो सक्सेस होती है या फिर उसकी स्ट्रगल में अगर उसकी फैमिली पार्ट ना हो ना उसकी, तो इज इतने इजीली मूव ऑन नहीं कर सकती। आई ट्रेवल्ड अलोन, मैं थ्रू आउट पाकिस्तान ट्रेवल करती हूँ, इंटरनेशनल भी ट्रेवल करती हूँ, मैं अकेली ट्रेवल करती हूँ, एंड आई स्टेड इन डिफरेंट एरियाज, मैं डिफरेंट जगहों पे जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, ये मेरी पेरेंट्स की परमिशन है, फैमिली की परमिशन है, सपोर्ट है, तो आई एम डूइंग दिस। और मुझे जो सपोर्ट बेसिकली मिली है मेरे फादर से मिली है, आई वॉज मे बी यू फॉलो मी और नॉट, मैंने परसों शायद पोस्ट किया था थ्रू आउट, मैंने पूरी स्टोरी पोस्ट की थी कि एज ए फीमेल और एज ए रिमोट एरिया फीमेल जब आप निकलते हैं स्ट्रगल करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको बैक बैक में एक कोई ना कोई सपोर्ट लाजमी होता है इन द सेंस ऑफ मेल की सूरत में। तो माई पेरेंट्स आर ऑलवेज स्टैंडिंग विद मी, और मैं बहुत सारी ऐसे इश्यूज से, ऐसे ब्रेकडाउन से थ्रू आउट दिस जर्नी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भी गो थ्रू हुई
कि जिसके लिए फीमेल के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उस चीज से निकल के फिर अपने काम पे आप फोकस्ड हो जाओ, बट माई फैमिली माई पेरेंट्स आर स्टैंडिंग विद मी सो आई एम हियर नाउ।